हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट की, जैसे कि एडवांटेजेस कि उसकी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। लास्ट वीडियो में जो है मैंने इसके बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद जो है आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनम्यूरेट द एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रियलाइजिंग पेमेंट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर। मतलब कि दोनों के हिसाब से आपको बतानी है कि अगर हम ये लेटर ऑफ क्रेडिट वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर के और इम्पोर्टर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर की, इसके सेलर को, विक्रेता को या फिर बोले निर्यातक को क्या इसका फ़ायदा होता है। तो देखिए, पहला इसका पॉइंट है कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट ओपन डोर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर मैकेनिज्म फॉर पेमेंट अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है दरवाजे खोल देता है, क्योंकि ये एक सुरक्षित पेमेंट प्रदान करता है, पेमेंट को सुरक्षा प्रदान करता है। और आपके कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी फुलफिलमेंट के बाद जो है ये भुगतान के लिए तैयार है। मतलब कि आपको कुछ एग्रीमेंट साइन करना होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर देते हैं तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज़ अ बैंक इज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बायर एज सोर्स ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड। कि माल या सेवाएं जो भी हैं उनके भुगतान के सोर्स के रूप में खरीदार जो है उसके लिए बैंक को प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब बैंक की ये जगह लेता है, जो बैंक का काम होता है ये वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। थर्ड वन इज़ द इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू मेक द पेमेंट प्रोवाइडेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट आर कंपाइल्ड विद। कि जो भी इशूइंग बैंक है, जारीकर्ता बैंक जो भी है, वो भुगतान करने का वचन देता है, लेकिन सभी शर्तें और जो भी उसमें साख पत्र में, आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी शर्तें हैं उन सभी शर्तों का अगर पालन करते हैं तो। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्री शिपमेंट फाइनेंस सिक्योर्ड बाई अ लेटर ऑफ क्रेडिट और डिस्काउंट ऑफ एक्सेप्टेड ड्राफ्ट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट आर अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज। वित्त पोषण की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के जो है ये अवसर प्रदान करता है इसमें, और काफ़ी सारे देशों में उपलब्ध है। तो ड्राफ्टों पर या जो भी स्वीकृत ड्राफ्ट है या छूट है उससे रिलेटेड जो है सारी सेवाएं जो है साख पत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इज बैंक एक्सपर्टाइज इज मेड अवेलेबल टू हेल्प कंप्लीट ट्रेड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। कि जितनी भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस होनी है, व्यापार से संबंधित लेन देन जो होना है उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता के लिए बैंक विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाती है, बैंक एक्सपर्टाइज उसके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर द गुड्स शिप्ड कैन बी रिमिटेड टू योर बैंक और अ बैंक ऑफ योर चॉइस। ये भी इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो भी आपने माल एक्सपोर्ट किया है, जो भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं, उसका भुगतान आपके बैंक या आपके किसी बैंक, जो आप पसंदीदा बैंक जो आप चाहें वहाँ पर जो है उसकी पेमेंट आप रिसीव कर सकते हो। तो ये तो थे एक्सपोर्टर को फ़ायदे। अब इसके इम्पोर्टर को, यानी कि आपका जो आयातक है या क्रेता है, जो सामान खरीदता है, उसके लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पेमेंट विल ओनली बी मेड टू द सेलर व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट आर कंपाइल्ड विद।
कि देखिए अगर क्रेता को नियम मानने होते हैं तो विक्रेता के लिए भी ये कंपलसरी है, लेटर ऑफ क्रेडिट के नियमों को वो भी फॉलो करेगा। भुगतान विक्रेता को तभी किया जाएगा जब उसके नियम और शर्तें जो हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की, उसका वो पालन करेगा। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टर कैन कंट्रोल द शिपिंग डेट्स फॉर द गुड्स बीइंग परचेज्ड, कि आज तक जो है वो खरीदे जा रहे सामान की शिपिंग तिथियों को नियंत्रित कर सकता है, वो उसको शिपिंग डेट्स को वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज कैश रिसोर्सेज आर नॉट टाइड अप, कि नगद जो संसाधन है वो बंधे नहीं हैं। तो ये सब जो है ये इम्पोर्टर के लिए हैं, और इससे ऊपर जो है वो एक्सपोर्टर के लिए इसकी एडवांटेजेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एज अ ट्रेड फाइनेंशियल टूल। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर बता देती हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट लेटर जिसे कहें, एक लेटर है बैंक गारंटिंग का कि बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट, कि सेलर को जो है अपनी पेमेंट सही समय पर मिलेगी और सही पेमेंट मिलेगी, पूरी पेमेंट मिलेगी। इन द इवेंट दैट द बायर इज अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑन द परचेज देन द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ परचेज, कि हो सकता है किसी कारणवश जो भी इम्पोर्टर है गुड्स का, जो भी बायर है, अगर वो पेमेंट नहीं दे पाता है पूरी या कुछ अधूरी पेमेंट छूट जाती है तो उस राशि का भुगतान जो है बैंक करता है। इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द पेमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सेलर को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जब भी कुछ गुड्स सप्लाई करेंगे तो ये पेमेंट रिस्क को कम कर देता है क्योंकि खुद जो है बैंक पेमेंट कर देता है इस केस में। देर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व इन द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अरेंजमेंट, कि इसमें देखिए बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं वो जो भी दस्तावेजी ऋण व्यवस्था है इसमें कई पक्ष ये शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है एप्लीकेंट। फर्स्टली इट इज़ द इम्पोर्टर हु इज़ रेफर्ड टू एज एन एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ UCP हु इनिशिएट्स द प्रोसेस, कि सबसे पहले आयतक आता है कि वो क्या करता है, इसी से आयतक से एप्लीकेंट से ही पूरी जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। जब भी इम्पोर्टर अप्लाई करेगा तो उसी के साथ ही जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। Having agreed to buy such under such arrangements, he approaches his bankers and requests him to issue a documentary letter of credit in the name of exporter. तो वो क्या करता है, ऐसी व्यवस्था के तहत खरीदने के लिए सहमत हो जाता है जब भी importer, तो वो अपने बैंकर से संपर्क करता है और उनसे एक दस्तावेजी, एक जो है documentary letter वो जारी करने का अनुरोध करता है निर्यातक के नाम पर। तो एप्लीकेंट से ये प्रोसेस शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पार्टी इन्वॉल्व क्या है, एप्लीकेंट। उसके बाद आता है ओपनिंग या इशूइंग बैंकर जो भी होगा। द बैंकर हु इशूज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर इज़ रेफर टू एज, उसको ओपनिंग या इशूइंग बैंकर भी कहते हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू करता है। इट इज़ द इशूअर बैंक इशूइंग बैंकर हु एट द रिक्वेस्ट ऑफ एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर अंडरटेक्स टू पे द एक्सपोर्टर। इसमें जो है जारीकर्ता बैंकर जो है वो ग्राहक के अनुरोध पर, उसकी रिक्वेस्ट पर और उसके जो भी वो निर्देश देता है उसके हिसाब से निर्यातक को भुगतान करने का ये वचन देता है इशूइंग बैंक। नेक्स्ट इज एडवाइजिंग बैंकर। एडवाइजिंग बैंकर जो है, इट इज़ द बैंकर टू होम द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन एंड डिलीवरी इज रेफर टू एज एडवाइजिंग बैंकर। And according to the Article 8 of UCP, advising bank shall be the reasonable care to check authenticity of the credit which advises. बैंक को मतलब सलाह जो देगा, एडवाइज़र जो होगा वो ये वह बैंकर होता है जिसे प्रमाणीकरण के लिए जो है ऑथेंटिकेशन के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए जो है इसको कॉन्टैक्ट किया जाता है और ये इसको फिर सलाहकार बैंक कहा जाता है। UCP के अनुच्छेद 8 के अनुसार सलाह देने वाला बैंक
क्रेडिट की प्रामाणिकता को पहले जांच करने के लिए उचित ध्यान रखेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिसिटी होगी तभी जो है आगे प्रोसेस बढ़ पाएगा। तो इसका एडवाइजिंग बैंक का बैंकर का भी मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज कंफर्मिंग बैंकर। कंफर्मिंग बैंकर एक बैंकर है हु एड्स हिज कंफर्मेशन टू द क्रेडिट। कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट इम्प्लाइज एन अंडरटेकिंग टू पे द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ इशूइंग बैंकर्स इन एबिलिटी और रिफ्यूजल टू पे। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि बैंकर जो अपनी पुष्टि को क्रेडिट में जोड़ता है, ये क्या करता है कि भुगतान करने के लिए जो है अगर आपका इम्पोर्टर जो है वो सक्षम नहीं है, कुछ पेमेंट्स बच जाते हैं या वो रिफ्यूज़ कर देता है पे करने को, तो ये सारी जिम्मेदारी निभाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंफर्मिंग बैंकर, जो अंडरटेकिंग लेता है कि ये बेनिफिशियरी को, यानी कि जिसने भी अपने गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए थे, जिसने भी सामान जो है सेल किया था, उसको ये भरोसा दिलाता है कि अगर जो है ये इशूइंग बैंक जो है ये आपको पे करेगा अगर आपका जो है एप्लीकेंट वो पे करने से रिफ्यूज़ करता है तो। फिफ्थ इज पेइंग बैंक। पेइंग बैंक दिस इज द बैंक नेम्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर ड्राफ्ट्स आर टू बी पेड। इट इज़ नॉट नेसेसरली द इशूइंग बैंक बट ऑफन अ ब्रांच ऑफ इशूइंग बैंक और इट्स कॉरस्पॉन्डेंट। Once drafts have been paid or accepted by the paying या drawer bank, there is no recourse to the drawers. इसमें क्या होता है कि यह letter of credit के नामित bank है जहाँ ड्राफ्टों का भुगतान जहाँ होता है, ये होता है paying bank आपका। ये ज़रूरी रूप से जो है जारी करता है, ऐसा अवश्य नहीं है कि ये आपका issuing bank भी हो, लेकिन issuing bank की कोई भी एक ब्रांच हो सकती है, उसका कोई संवाददाता हो सकता है। एक बार भुगतानकर्ता द्वारा ड्राफ्ट का भुगतान स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके लिए जो दराज जो है नो कोर्स टू द ड्रॉर्स के लिए फिर कोई सहारा नहीं है। अगर एक बार भुगतान कर दिया तो आप उसको ड्रॉबैक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक वेयर द पेइंग बैंक इज नॉट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, क्रेडिट्स यूजुअली परमिट ए बैंक और बैंकर इन द बेनिफिशियरी कंट्री टू नेगोशिएट ड्राइंग्स अंडर द क्रेडिट एंड डिस्पर्स द अमाउंट ऑफ टू द एक्सपोर्टर। दिस बैंक इज कॉल्ड अ नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक होता है ये। इसमें जो है नेगोशिएटिंग बैंक मस्ट प्रेजेंट द रिलेटिव बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू द पेइंग बैंक एंड अंटिल दैट बैंक पेज द बिल द ड्रॉइंग इज नॉट फाइनलाइज्ड। देखिए समझाती हूँ मैं आपको इस पॉइंट को कि नेगोशिएटिंग बैंक वो होता है जहाँ भुगतान करने वाला बैंक निर्यातक के देश में अगर मान लो नहीं स्थित है, अगर एक्सपोर्ट किसी ने किए हैं गुड्स और पेइंग बैंक उसकी कंट्री में लोकेटेड नहीं है, तो वहाँ पर जो है नेगोशिएटिंग बैंक का काम होता है। इस पर लाभार्थी के देश में बैंक या बैंकरों को बातचीत करने की अनुमति ये देता है। क्रेडिट के तहत ड्रॉइंग और निर्यातक की राशि का वितरण ये अलाउ कर देता है। यह एक ऐसा बैंकर है जिसे हम वार्ता बैंक यानी कि नेगोशिएटिंग बैंक हम इसको कहते हैं, बीच में ये नेगोशिएशंस करता है। तो नेगोशिएटिंग बैंक जो है ये भुगतान करने वाले बैंक को विनिमय की जो भी एक्सचेंज है उसके ये सापेक्ष बिल प्रस्तुत करना चाहिए, और जब तक वह बैंक बिल का भुगतान नहीं करता तब तक जो है यहाँ पर ड्रॉइंग्स तब तक फाइनलाइज नहीं होंगी जब तक वो भुगतान नहीं करता है। द लास्ट पार्टी इन्वॉल्व इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी कि जिसने एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स, वो तो एप्लीकेंट से शुरू हुई प्रोसेस लाभार्थी आपके लाभार्थी तक बेनिफिशियरी तक जाती है, एक्सपोर्टर तक जाती है। फाइनली द एक्सपोर्टर हु कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट विद द इम्पोर्टर प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट अंडर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। की लाभार्थी वो है कि निर्यातक जो मतलब जिसने अपना सामान एक्सपोर्ट किया था उसकी जो है दस्तावेजी ऋण व्यवस्था के तहत भुगतान प्रदान करने वाला ये होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अरेंजमेंट्स की हेल्प से जो है इसको इसके गुड्स का जो है अमाउंट मिल जाता है।
तो लास्ट में बेनिफिशरी तक ये प्रोसेस जाके ख़त्म होता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सप्लेन लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ मैकेनिज्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ ट्रेड फाइनेंशिंग टूल, कि किस तरीके से ये जो है व्यापार वित्त पोषण उपकरण के रूप में काम करता है वो आपको बताना था। बिकॉज अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज टिपिकली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द इशूइंग बैंक पेज द बेनिफिशरी और एनी बैंक नॉमिनेटेड बाय द बेनिफिशरी, कि इशूइंग बैंक जो है ये क्या करता है कि जो भी बैंक नॉमिनेट करता है बेनिफिशरी, जिस भी बैंक में चाहे वो अपना अमाउंट रिसीव कर सकता है। इफ़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज ट्रांसफरेबल द बेनिफिशरी में असाइन अनदर एंटिटी सच एज कॉरपोरेट पेरेंट और अ थर्ड पार्टी द राइट टू ड्रॉ, कि अगर ये ट्रांसफरेबल हो लेटर ऑफ क्रेडिट तो जो भी एक्सपोर्टर है तो वो क्या कर सकता है, कोई और किसी और को अपने किसी थर्ड पार्टी को भी है अपनी पेमेंट विदड्रॉ वो करने का अवसर दे सकता है, उसको अलाउ कर सकता है। जैसे कि कोई भी कॉरपोरेट है या कोई भी उसके कोई भी रिलेटिव है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो बैंक्स ऑल्सो कलेक्ट द फी फॉर सर्विस, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक जो है वो फी चार्ज करेगा। टिपिकली अ परसेंटेज ऑफ द साइज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ओवरसीज द लेटर ऑफ क्रेडिट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स अवेलेबल। देखिए बैंक सभी जो भी ये सेवाएं प्रोवाइड करवाएगा उसके लिए कुछ फ़ी भी चार्ज करता है। आमतौर पर आपके लेटर ऑफ क्रेडिट का साइज़ देखा जाता है और उसी के बेस पर जो है परसेंटेज डिसाइड करता है बैंक की कितना वो चार्ज करेगा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये जो है संस्था, ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट के पत्रों की देख रेख ये करते हैं। क्रेडिट के कई प्रकार के पत्र जो हैं उपलब्ध हैं, और एंड वन मेन थिंग टू नोट इज बैंक्स टिपिकली रिक्वायर अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज और कैश एज कोलेटरल फॉर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक जो है वो आमतौर पर कुछ गिरवी रखता है ताकि वो तभी वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इश्यू करता है, कुछ चीज़ वो गिरवी रखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड एन एक्सपोर्टर टेक व्हाइल, कि लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के तहत जो है अगर एक्सपोर्टर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस जो है सावधानियाँ जो है वो बरतनी चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो एज मोस्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर इरिवोकेबल, अमेंडमेंट्स मे बी एट टाइम्स बी डिफ़िकल्ट सिंस बोथ द बायर एंड सेलर्स मस्ट एग्री, कि ज़्यादातर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट वो अपरिवर्तनीय होते हैं, इरिवोकेबल होते हैं, उनमें जो है आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है कभी कभी संशोधन करना उसमें कठिन हो जाता है, तो खरीदार और विक्रेता दोनों की सहमति इसमें होनी चाहिए। सेलर को जो है ये कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं जो वो फेस कर सकता है एक्सपोर्ट के दौरान। तो पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट हैड एक्सपायर्ड, कि ऐसा भी हो सकता है कि साख पत्र की समय सीमा समाप्त तो हो गई हो। दूसरा है द बिल ऑफ लेडिंग वॉज क्लोज या अनक्लीन और डर्टी, कि वो जो है बिल ऑफ लेडिंग वो जो है उसमें साफ साफ तौर पर जो है सब कुछ नहीं डिस्क्राइब किया गया हो। थर्ड वन इज द चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग वॉज प्रेजेंटेड व्हेन LIC कॉल्ड ऑन बोर्ड शिपमेंट, कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑन बोर्ड शिपमेंट पर बुलाए जाने पर चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग प्रस्तुत किया था चार्टर पार्टी ने। फोर्थ वन इज द गुड्स वर शिप्ड ऑन डेक व्हेन इट वाज नॉट परमिटेड, कि माल को इस ऐसे टाइम पर आपने शिप कर दिया जब उसकी परमिशन नहीं थी, ये भी एक त्रुटि हो सकती है। शिपमेंट वॉज मेड बिटवीन द पोर्ट्स अदर देन दोज स्टेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, कि आपने ऐसी जगह पर जो है ऐसे स्टेशन पर जो है शिपमेंट कर दी जहाँ जो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है उसकी उसका उल्लेखन कहीं पर नहीं था। इंश्योरेंस कवर्ड वॉज इन एडिक्वेट एंड एक्सप्रेस्ड इन ए करेंसी अदर देन द रिक्वायर्ड बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट,
कि ये भी एक परेशानी हो सकती है कि जो भी बीमा कवर है वो अपर्याप्त था, इनएडिक्वेट वो था, और आवश्यकता के अलावा किसी और करेंसी में उसको व्यक्त किया गया था, तो ये भी एक परेशानी हो सकती है, एक एरर हो सकती है। सेवेंथ इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और इनवॉइस डिफर्ड फ्रॉम दैट इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है गुड्स कुछ और है और जो आपका एक्चुअल बिल है इनवॉइस जो है उसमें अलग है, तो ऐसे में अगर मैच नहीं करता है आपका इनवॉइस की डिटेल्स तो भी एक परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट इज द वेट्स मार्क्स एंड नंबर्स डिफर बिटवीन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी निर्यात दस्तावेज हैं उनके बीच जो है आपकी संख्याएं जो हैं उसका वेट जो है गुड्स का और कुछ अंकों की त्रुटियां जो हैं वो हो गई हैं, कुछ उन दोनों में डिफरेंसेस हैं। द अमाउंट ऑफ वैल्यू शोन ऑन द इनवॉइस एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज डिफर्ड, कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है धारित किया गया था जो बिल वो अलग है और टोटल अमाउंट, और इनवॉइस के अंदर आपका जो है वो अलग अमाउंट है, अगर दोनों अमाउंट मैच नहीं करते तो ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट इज द ड्रॉइंग वॉज फॉर लेस देन द लेटर ऑफ क्रेडिट अमाउंट वर नॉट परमिटेड, कि जो क्रेडिट ड्रॉ करना है पत्र से कम के लिए था जिसकी अनुमति नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। द बिल ऑफ लेडिंग डिड नॉट एविडेंस वेदर फीट वॉज पेड और नॉट, कि जो बिल ऑफ लेडिंग है वो इस बात का सबूत नहीं कि माल जो है उसके भाड़े का भुगतान जो है वो किया गया है या नहीं है, उसके किराए का भुगतान, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। शिपमेंट जो है वो अगर ज़्यादा शॉर्ट थी तो भी, मतलब कि कम थी, गुड्स कम थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। द बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज ड्रोन ऑन रोंग पार्टी, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी कि आपका ड्राफ्ट जो है वो किसी सही पार्टी के नाम ना हो तो भी। बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज पेबल ऑन इनडिटर्मिनेबल डेट, कि जो आपने निश्चित की थी उस डेट पर ना होकर के पेमेंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्राफ्ट जो है वो किसी अनदर डेट पर जो है पे किया गया हो, पेबल हो। बिल ऑफ लेडिंग इंश्योरेंस, बिल ऑफ लेडिंग इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज वर नॉट एंडोर्स्ड, कि अगर जो है इसमें वो सारी चीज़ें आप संलग्न नहीं करते हैं, आप उसको अटैच नहीं करते हैं बिल ऑफ लेडिंग को, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स को या फिर ड्राफ्ट जो है, तो ये भी एक परेशानी हो सकती, क्रिएट कर सकता है। द कॉपी ऑफ फ्रीट अकाउंट वॉज नॉट अटैच, कि जब वेन कॉल्ड फॉर बाई द लेटर ऑफ क्रेडिट में जब उसकी रिक्वायरमेंट थी फ्रीट अकाउंट की, उसकी कॉपी अगर अटैच नहीं की है तो भी पेमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देर वॉज एन एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ विटनेसेस वेन रिक्वायर्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, कि जब भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए तो उस समय पर जो है दस्तावेजों पर गवाहों के हस्ताक्षर अगर नहीं हुए तो भी दिक्कत हो सकती है। द फैसिमिली सिग्नेचर्स वर नॉट यूज्ड व्हेन वर यूज्ड व्हेन नॉट अलाउड, कि इसमें जो है जब अनुमति ना हो तब जो है प्रतिकृति हस्ताक्षर का उपयोग किया गया हो तो भी वो सही नहीं है। इन व्यू ऑफ सच कॉमन एरर्स, कि इस टाइप की जो भी एरर्स आपके साथ डिस्कस की गई हैं इनको आप पॉइंट वाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे आप जहाँ पर जो चाहे उसको इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो पार्टीज़ वाला क्वेश्चन था तो उसमें पार्टीज़ को आप जो है एक सीरीज़ में ही बताएंगे सीक्वेंस में कि कौन सी पार्टी का कब रोल होता है, लेकिन इनको आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। इन व्यू अगर ऐसी कोई एरर्स आपके सामने आती हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू रीड द लेटर ऑफ क्रेडिट वेरी केयरफुली, और तो आपको इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, एंड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेलिंग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हैं उसके लिए आपको सारी की सारी जो है डिटेल्स को पहले अच्छे से पढ़ना होता है। इट इज़ फंडामेंटल टू चेक द लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट इज़ द इट इज़ ऑफ द टाइप एग्रीड, कि किस टाइप की एग्रीमेंट हुई है, सहमति का प्रकार जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इरिवोकेबल एंड दैट इज़ इरिवोकेबल एंड कन्फर्म्ड और जस्ट इरिवोकेबल, कि वो जो है वो
आप परिवर्तनीय ही है या अपरिवर्तनीय तो है लेकिन पुष्टि वो प्रदान करता है, तो कौन सा टाइप है, इरोवोकेबल है या कन्फर्म्ड भी है? इरोवोकेबल एंड कन्फर्म्ड वो है। सेकेंड इज इट हैज़ एन एक्सपायरी डेट, इसका जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, दैट इज सफिशियंटली फार अहेड फॉर द गुड्स टू बी शिप्ड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेंड एंड प्रेजेंटेड इन टाइम, कि अगर गुड्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है तो उस केस में जो है कि एक्सपायरी डेट इतनी तो सफिशियंट होनी चाहिए आपके लेटर ऑफ क्रेडिट की कि जब तक गुड्स वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके बाद ही, क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव होती है तो वो आप तो उस समय तक जो है डॉक्यूमेंट्स जो है अपने सबमिट करवा सकें, तो इतना इनफ टाइम होना चाहिए। थर्ड वन इज इट हैज़ द टर्म्स दैट कैन बी मेट एंड दैट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑब्टेंड एग्जैक्टली एज कॉल्ड फॉर, कि ऐसी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके आसानी से, मतलब जो है उन नियमों को उन शर्तों को पूरा किया जा सके, आवश्यक दस्तावेज जो है ठीक उसी प्रकार से उनको तैयार किया जा सके। फोर्थ वन इज इट हैज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, एनी मिसस्पेलिंग शुड बी टेकन अप इमीडिएटली विद द बायर, कि सही वर्तनी का प्रयोग किया जाए, कोई भी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो खरीदार के लिए जो है ख़रीदार के साथ आप तुरंत उसको कम्युनिकेट करके आप बायर के साथ उसको जो है ठीक करवा लें, उसकी करेक्शन के लिए अप्लाई कर दें, नहीं तो जो है आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, करेक्ट अमाउंट आपको नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है आपकी मैच होगी, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस प्रोसेस में आ रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में हिस्सा ले रहे हैं तो एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सपोर्टर को रिसीव करनी होती है, तो स्पेलिंग्स का, एक्सपायरी डेट का ध्यान, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको केयरफुली पढ़ना, टर्म्स और कंडीशंस को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पहले सुनिश्चित कर लें। तो ये था लेटर ऑफ क्रेडिट की दूसरी वीडियो, इस पर अगर हो सकता है टाइम अगर मिलेगा और पॉसिबल हुआ तो मैं कोई दूसरे टॉपिक पर भी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट का बनेगा उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू।